अध्याय 14 कहकहों का दिन। केवल पढ़ने के लिए। हा हा ही छोटू मालिक से। गधे की तरह काम कराया और मजदूरी सिर्फ 20 रुपए। कुछ तो न्याय कीजिए। मालिक मुनीम से। ठीक है, ये न्याय मांगता है। इसके सामने घास डाल दो और रुपए वापस ले लो। मंगूजी की राय। चंदूजी की भैंस बीमार हुई तो मंगूजी के पास राय लेने पहुंचे। मंगूजी ने कहा, मिट्टी का तेल पिला दो, मैंने भी यही पिलाया था। तेल पिलाने पर भैंस मर गई। अगले रोज चंदूजी रोते हुए पहुंचे। यार मंगू, भैंस तो मर गई। मंगूजी ने फरमाया, हाँ मर तो मेरी भी गई थी। भूकंप का इंतजार। आलसी आदमी ने खुशी में दोस्त से कहा, कुदरत मेरी तरह तरह से मदद कर रही है। हाथ पांव नहीं हिलाने पड़े और काम होते चले गए। मुझे पेड़ काटने थे, इतने में तूफान ने मदद कर दी। मैं कूड़े का ढेर जलाने की सोच ही रहा था कि आकाश से बिजली गिरी और कूड़े में आग लग गई। दोस्त, तो अब क्या प्रोग्राम है? आलसी बोला, मुझे जमीन से आलू और गाजर निकालनी है, भूकंप का इंतजार कर रहा हूँ। अमरूद वाला। राजू ने अमरूद खरीदा तो उसमें से कीड़ा निकला। राजू ने शिकायती अंदाज में कहा, इसमें तो कीड़ा है। अमरूद वाला, ये तो किस्मत की बात है, क्या पता अगली बार कार निकल जाए।